दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के
क्लिक बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिक बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हां दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरा कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी।
शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांस गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा डीआर जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन
फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कणिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान,
दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरा कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहुना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरा कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। अब बात करें इस मूवी के
क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी।
शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे। तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और JK श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन
फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मैहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरात कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान,
दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा सरिया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के
क्लिक बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिक बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी।
शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा डीआर जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे। तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन
फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरात कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहाँ पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेस भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान,
दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरात कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कणिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा सरिया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। अब बात करें इस मूवी के
क्लिप बाई वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाई वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हां दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरात कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी।
शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा डीआर जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहाँ पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन
फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मैहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहाँ पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन,
बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरा कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल्स यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरा कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। अब बात करें इस मूवी के
क्लिक बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिक बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी।
शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और JK श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन
फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मैहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरा कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहाँ पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दोस्तों, आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह,
अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमानी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहुना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगराद कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य तीन भाषाओं में, हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नमकान की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में, तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो 24 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था फरहान खान ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5 की मिली हुई है। बात करें इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो 53% इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। गूगल यूजर्स की बात करी जाए तो 70% इस मूवी को लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इसका वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विवान शाह, अभिषेक बच्चन, बुमन ईरानी, सोनू सूद और जेके श्रॉफ आदि बड़े बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 155 करोड़। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 155 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि यह मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड के आगमनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशन फरहान खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जैन, डियांस और जेके श्रॉफ। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। यह निर्देशन के साथ का तृतीय सहयोग है। पूर्व में मेहूना तथा ओम शांति ओम के सहयोग में रहे हैं। यह ऐसी फिल्म है जो संगीत के आम प्रोत पर एक चोरी को इगरा कर रहा है तथा इसके महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण है। यह फिल्म दीपावली के अक्सर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज होगी। यह मुख्य 3 भाषाओं में हिंदी, तमिल तथा तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में पहले दिन में 45 करोड़ की कमाई की थी। सर्वप्रथम फरहान खान ने इस फिल्म के हेतु ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्म नामकरण की प्रक्रिया बम्बई में की गई थी, जो डेब्यू मेरिट होटल में बम्बई से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म के कारण शाहरुख खान घायल हो गए थे। उनके कंधा और तथा घुटनों पर चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा। महबूब स्टूडियो भी प्रमुख स्थानों पर भी एक तथा दूसरे फिल्म के कुछ हिस्से विलन कॉलेज में फिल्माए गए थे। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित है। गीता काव्य इरशाद कामिल द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसे के शंकर महादेव तथा विशाल द्वारा निर्मित गाना है, जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रसंग प्रयुक्त रोमांच गाने का निर्माण कर रहे हैं। कनिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टाइम लेंथ 3 घंटे का है। बात करें इस मूवी के क्लिप बाय वायरल के बारे में तो इस मूवी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप बाय वायरल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इस मूवी को जी सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे चैनल पर जरूर बता देंगे, तो आप वहां पर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।